महिला के साथ हुआ दुराचार, थाने में कराया मुकदमा दर्ज। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के रामगंज थाने में महिला के साथ दुराचार का मुकदमा सामने आया है। महिला ने मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में भी रोष व्याप्त है। पीड़िता के अनुसार रामगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला टीपू सुल्तान उसे जबरन दोस्तों के साथ खेतों में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। वह वहाँ से बीच बचाव कर घर आई और अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता के साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बाद ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। इस मामले में रामगंज थाना पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही हो, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले की जांच अजमेर दक्षिण उपाधीक्षक मुकेश सोनी द्वारा की जा रही है। जी सर, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? यह आज एक महिला ने अपने भाई के साथ थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी है कि कल वो अपनी ससुराल से पियर आ रही थी, तो पियर में पहुंचने के बाद अपनी माँ से मिलने के बाद जब घर की तरफ जा रही थी तो वहीं गांव के ही एक युवक ने उसे अपने पास बुलाया और फिर बेला फुसला कर ले गया, जिसने उसे कई घंटे अपने साथ रखा और खेतों में उसके साथ दुष्कर्म किया। रात्रि में जब इसको लड़की को खोजबीन होने लगी तब उसने उस लड़की को इसके घर के पास छोड़ दिया और भाग गया। अपने साथ बलात्कार के संबंध में इसने रिपोर्ट दी है, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इसका अनुसंधान श्रीमान डिप्टी साहब CO साउथ द्वारा किया जा रहा है। आरोपी की तलाश जारी है। क्या नाम है सर? आरोपी का नाम इसमें उसी के गांव का है जिसका नाम टीपू बताया है उसने। जाति का मामला? हाँ, जाति इसकी मामला। और भी साथी क्या इसके? उसने बताया है कि इसके कुछ साथियों ने इसको आकर बताया था कि गांव में इसकी खोजबीन की जा रही है और इसको सूचना दी थी, जिस पर उसने इसको वहां से रवाना कर दिया था। जी हाँ, बताइए क्या हुआ है आपके साथ में? और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मतलब कि मैं वहां पे ससुराल से आ रही थी तो मेरी मम्मी से मिल के फिर वापस घर पर जा रही थी, तो फिर वो रास्ते में मिला मेरे को। कौन लोग थे? कौन लोग हैं? मुंडन है जी। फिर क्या वो नाम इनके? इनका नाम टीपू है जी। फिर ये मेरे को छत से इशारा किया उसने, फिर मेरे को बोला कि आगे चल, फिर खेत में लेके गया था मेरे को जी। फिर ये काम किया था। कितने जने थे ये लोग? ये तीन जने थे जी। तो दो को तो मैं जानती नहीं हूँ, एक इस एक को तो जानती हूँ जी। क्या बलात्कार किया आपके साथ? हाँ, बोलो। बलात्कार किया? अच्छा, शिकायत करी आपने? हाँ, आ गई ना, फिर मैं मेरी मम्मी को बता के फिर यहाँ पे आ गई। रामगंज थाने में? हाँ। कौन से थाने में? रामगंज थाने। तो क्या आपका साथी था क्या? हाँ। किससे शादी करी आपने? नहीं, मतलब कहाँ है आप? नहीं यार, बस बहुत।